नमस्कार। कानून की बात में आज हम चर्चा करेंगे मानवाधिकार पर। मानवाधिकार को लेकर के तरह तरह के विवाद हैं। पुलिस कहती है कि हमारा मानवाधिकार है कि नहीं, मिलिट्री कहती है हमारा मानवाधिकार है कि नहीं। ये मानवाधिकार वस्तुतः है क्या, किनके लिए है और कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है? हम लोकतंत्र के 70 साल में जितना विकास कर पाए हैं, उस विकास में सिर्फ मानवाधिकार खोजते हैं कि जहां हमारे मानवाधिकार का हनन होता है वहां हमको लगता है मानवाधिकार का हनन हो रहा है। हम जो किसी दूसरे का मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं यह कभी हमको ध्यान में आता ही नहीं। इसलिए कि हमने मान लिया कि डेमोक्रेसी मतलब कि उसकी सारी सुविधाएं सब कुछ हमें मिलना चाहिए। कल से मतलब हम चर्चा करेंगे और इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। हमारे साथ आदर पांडे जी, प्रोफेसर पांडे जी, जैसे चाहे वैसे स्वतंत्रता में जी सकते हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। कुछ नहीं उसका अधिकार भी आता है, मानव अधिकार भी आता है, लेकिन किसी का नौकरी छीन के आपने नहीं, किसी का संपत्ति को छीन के अपने पास नहीं रख सकते। वो मेरा कर्तव्य है कि उसको किसी तरह का दूसरे को हानि ना पहुंचे। जैसे मेरे जीने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि मेरे बगल में जो है मेरा घर में हम अपना घर जैसे तैसे रह सकते हैं, अपना घर में आग लगा दे तो मेरा स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे में उसका किसी का घर चलेगा ये नहीं हो सकता। ये कर्तव्य के साथ अधिकार से जो अवसर है, एक्सपोर्टिंग में जो अवसर है,
क्योंकि इनको एक पदनाम मिला हुआ है, ये था
Thank you.
है कि जहाँ भी इनको सूचना मिलती है या तो स्वयं देखते हैं कि कहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है या उनको स्वयं प्रारंभ से अपने आप या कोई लिखित शिकायत मिले या न्यायालय के निर्देश से कि आप इसमें इंटरव्यू कीजिए, तब वो क्या करते हैं मानवाधिकार है कि वो मैटर को अपने पास लेते हैं और उनका सर जांच करने का एक प्रक्रिया है। चलिए कि जो डीएलएस है या डीएलएस